और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोबेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामशाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पा लेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामशाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। खबर का हुआ असर, गैस एजेंसी की जांच में एसडीएम ने पकड़ी गड़बड़ी। नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी जब से खुली है तब से लगातार इसके खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं। नवागढ़ एसडीएम डीआर डाहिरे ने शनिवार को यहां पर छापा मारा। आपको बता दें कि दयालपुर निवासी प्रेम प्रकाश पर नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी संचालक ने दुर्व्यवहार कर गंदी गंदी गाली गलौज और स्टाफ के द्वारा धक्का देकर अपने कार्यालय से निकालने का मामला सामने आया था, जिसे हमारे द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। जहां बीते दिनों नवागढ़ एसडीएम डीआर डाहरे ने शनिवार को अपने टीम के साथ नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी पर धावा बोलकर स्टाफ सहित सभी जरूरी रिकॉर्ड और ऑनलाइन रिकॉर्ड मौके की जांच की, जिसमें 19 भरा घरेलू सिलेंडर कम और खाली 28 सिलेंडर अधिक मात्रा में मिला। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जांच प्रतिवेदन तैयार कर इस मामले को कलेक्टर ने संज्ञान में लिया। ग्राहक से दुर्व्यवहार व लगातार शिकायत के बाद नवागढ़ गैस एजेंसी संचालक के ऊपर ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि नवागढ़ गैस एजेंसी संचालक के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रामशाजर।